मेरा नाम नीतू निषाद है, पत्नी बाबू राम निषाद, पिछड़ा वर्ग एवं वित्तीय विकास। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने एक बात रखी जो मेरे जीवन की सच्चाई है। कैसे मुझे ये 14 सालों से लगातार मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाली गलौज करते हैं, धक्के मार के घर से बाहर निकालते हैं, मेरे लिए गेट नहीं खोलते, कैसे मेरे साथ अत्याचार करते हैं, रिवॉल्वर दिखा दिखा के डराते हैं, मारते हैं, मुंह में डालते हैं, कनपट्टी में लगाते हैं। 14 सालों से लगातार इनका यही चला आ रहा। जब 2005 में मेरी शादी हुई, मैं उस घर में गई। मेरी शादी मेरे माँ बाप की मर्जी से हुई। मेरे माँ बाप ने कानपुर में मेरा ब्याह किया। उस समय मेरी उम्र लगभग 19 साल थी और बाबू राम जी की उम्र लगभग 37 साल थी। इन्होंने आश्वासन दिया मेरे परिवार को, मेरे घर को, कि मैं तुम्हारी लड़की खुश रखूँगा। जब मेरी शादी हुई, मैं हमीरपुर गई। इन्होंने हीन भावना आ गई। इनको लगा मेरी बीबी छोटी है, सुंदर है, सुशील है, अच्छी है, मिलनसार है, क्या करूं? मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। चौथी चलाने वाले आए मेरे घर से, परिवार से, नीचे से भगा दिया। मुझे पता भी तक नहीं चला कि कब लोग चौथी चलाने आए थे मेरे परिवार से। जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने मुझसे बोला, जैसे मैं चाहूँगा, जब चाहूँगा तुझे वहाँ जाना है और तुझे वहाँ से आना है, अपनी मर्जी का तू कुछ नहीं कर सकती है। तो लगातार ये मुझे प्रताड़ित करते रहे। मेरे पेट में मेरा बच्चा आया पहला, शांतनु। मैं अपने माँ बाप से सारी चीज़ें बताई कि मुझे मारने लगे हैं, पीटने लगे हैं, मुझे गाली गलौज करने लगे हैं, मुझे तलाक देने की धमकी देते हैं। मेरी माँ ने इनसे कहा, बाबू राम जी आप ठीक नहीं कर रहे हो मेरी लड़की के साथ। इन्होंने मेरी माँ को बोला कि मैं तुम्हारी लड़की को तलाक दे दूंगा, इस बच्चे से मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम अपनी लड़की और अपना बच्चा, अपनी सब कुछ अपने पास रखो। मेरी माँ ने कहा, ऐसा नहीं होता है जैसा कि तुम कह रहे हो बाबू राम निषाद। उल्टा मेरी माँ ने मुझे समझाया कि नीतू बेटा, बच्चा हो जाने तो सब ठीक हो जाएगा तुम लोगों के बीच में। तो मैंने मम्मी से कहा, मेरी गलती क्या है जो ये मुझे मारते हैं, पीटते हैं, जो मुझे गाली गलौज करते हैं, नौकरों सामने, चाकरों के सामने, मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों करते हैं, मुझे क्यों बाल घसीट घसीट के नोच नोच के मारते हैं, तलाक की धमकी देते हैं, क्यों मुझे मारते हैं बुरी तरीके से? मेरी माँ खुद लाचार थी उस जगह। मेरी माँ ने जब मेरा पक्ष रखना स्टार्ट किया, मेरी बहनों ने पक्ष रखना स्टार्ट किया, तो मेरे माँ बहन भाइयों के साथ में भी ये मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे। 5 साल में हमीरपुर में रही, इन्होंने यही किया। वहाँ पर हर कोई जानने वाला है, चाहे आप संतोष से पूछ लीजिए, चाहे आप मुन्ना प्रधान से पूछ लीजिए, चाहे आप अशोक तिवारी से पूछ लीजिए, चाहे आप किसी भी उस इंसान से पूछ लीजिए जो वहाँ पे रहा है, इनके भांजे, इनके भतीजे, इनके भाई, सब जानने वाले हैं मेरी दशा। इनके अत्याचार नहीं रुके, इन्होंने अपने पद का, अपने आदमी होने का मेरे पर भरपूर फायदा उठाया। मेरे सुनने वाला कोई नहीं था, मेरा बच्चा मुझसे छीन लेते थे, बाहर गेट से भगा देते थे। जब मैंने पुलिस जाने की कोशिश की, पुलिस थाने में रिपोर्ट करने की कोशिश की, तो उन्होंने मेरे फ़ोन तोड़े, गेट में बंद कर दिया मुझे, गेट पे ताला लगवा देते थे, रूम बंद कर देते थे, सब कुछ करते थे। मेरा बच्चा छोटा था, मुझसे छीन लेते थे। उसके कुछ दिन बाद मैंने कंप्रोमाइज करना स्टार्ट कर दिया, इनकी हर बात मानना स्टार्ट कर दी, इनका हर अत्याचार सहना स्टार्ट कर दिया चुपचाप। कि नीतू अगर ज्यादा करोगी तो तुम्हारी बेइज्जती और होगी, और होती थी सब
जगह मोहल्ले वालों को बुलाया जाता था, आसपास वालों को बुलाया जाता था, एक सामने वाली भाभी थी उनको बुलाया जाता था। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।